ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भागवत वाहिनी अध्याय 36। हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके लिए संभव और असंभव का कोई भेद नहीं है। मनुष्य के पास जो शब्दावली है इतनी शक्ति नहीं है कि वह भगवान के अद्भुत चमत्कारिक कार्यों क्रीड़ाओं और लीलाओं का पूर्ण विवरण कर सकने में समर्थ हो सके। भगवान निर्गुण निरूप हैं और विराट पुरुष का वह रूप भी धारण करते हैं जिसमें समस्त सृष्टि ही समा जाती है। वह एक किंत रूप अनेक धारण करते हैं। लोग आपस में कहते हैं कि भगवान ने मत्स्य वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि आदि अनेक रूपों में अवतार लिया, किंतु इस कथन में भगवान की दिव्यता और महिमा पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। हमें तो इस बात का साक्षात अनुभव करना और देखना है कि सब रूप उनके ही रूप हैं, सब दृश्य और अदृश्य उनका ही प्रसार है, उनकी ही प्राण शक्ति से सबका जीवन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि है और उसके कण कण में वह समाये हुए हैं। उनसे विलग उनसे परे उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु संसार के संरक्षण धर्म की संस्थापना एवं पोषण भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान विशेष रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसार में विचरण करते हैं। अपने दैविक कार्यों और महिमाओं द्वारा भगवान अपने भक्तों के हृदय में अपने आगमन की पुष्टि करते हैं और उनके हृदय में आनंद का संचार करते हैं। इससे भक्त गणों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ और सबल हो जाते हैं और वे अपने समस्त कार्य भगवान को अर्पित करते हैं। उनमें आसक्ति नहीं रहती और वे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए लोग भगवान के उपरोक्त रूपों को, जो उन्होंने अवतार के रूप में विशेष उद्देश्य के साथ धारण किए, विशेष रूप से पवित्र मानते और भगवान के उन अवतार रूपों की पूजा करते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर भगवान ने अंश रूप में काला अवतार लेकर समय विशेष की विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों का समाधान और निराकरण किया। इस प्रकार के अंश अवतारों के द्वारा भगवान के संसार को संरक्षण प्रदान करने के अनेकों उदाहरण हैं। सुखदेव जी के वचनों को बड़े आश्चर्य और आनंद मिश्रित भाव से सुनते हुए महाराज परीक्षित ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विनयपूर्वक प्रार्थना की, हे गुरुदेव, भगवान ने अंश रूप में भी अवतार लिए, यह तो फिर उनके लिए खेल मात्र है।
मुझे भगवान के अंशावतारों के संबंध में बताने की कृपा कीजिए। मुझे इन कथाओं को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कपिल, दत्तात्रेय, सनक, नंदन, सनत कुमार ऋषि बालक के रूप में ऋषभ, नरनारायण, विष्णु, ध्रुव, हयग्रीव, पृथु, कच्छप, धन्वंतरी, हंस, मनु, बलराम, व्यास तथा इसी प्रकार की अन्य दिव्य विभूतियों के रूपों में भगवान ने अपने भक्तों को दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए संसार को विनाश से बचाने, मनुष्य मात्र के कल्याण और मार्गदर्शन के लिए धर्माचरण, नैतिकता और सदाचार के आदर्श उपस्थित करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न नाम रूप धारण किए। इस प्रकार भगवान के अनेकों अंशावतार हुए हैं, किंतु हमारे पास इतना समय नहीं कि उनमें से प्रत्येक का वर्णन किया जा सके। फिर भी इतना महत्वपूर्ण भी नहीं कि प्रत्येक अंशावतार के संबंध में सविस्तार विचार किया जाए। हे राजन, इस विषय में तुम्हारी इच्छा और रुचि देखकर ही मैंने संक्षेप में जो कुछ कहा है वह पर्याप्त है। किंतु महाराज परीक्षित ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए सविनय निवेदन किया, हे मुनिवर, मुझे संक्षेप में ही इतना सा बताने की कृपा कीजिए कि भगवान के कपिल, ध्रुव, दत्तात्रेय, हयग्रीव, धन्वंतरी आदि रूपों में अवतरित होने के क्या कारण थे, उनके इन अंशावतारों के क्या विशिष्ट कार्य थे। आपके इतना बताने से मेरी जिज्ञासा शांत होगी, मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के 9 कन्याएं थीं और उनकी 10वीं संतान के रूप में जन्म लिया कपिल ने। भगवान कपिल के रूप में आए और अपनी जन्मदात्री माता के ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक और गुरु हुए। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आध्यात्मिक गुह रहस्य स्पष्ट किए, वे उपदेश और तत्वज्ञान दिए जिनके द्वारा पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अत्रि और अनसुईया ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान स्वयं उनके यहां पुत्र के रूप में आए, और भगवान ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए दत्त कहकर वरदान दिया था। भगवान ने अपने वचन का पालन किया और पिता का नाम अत्रि होने के कारण दत्त अत्रेय अर्थात दत्तात्रेय कहलाए। महाराज यदु के वंश में कार्तवीर्य अर्जुन हुए हैं। संसार का कोई सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विनय आदि गुणों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उन कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय से ही योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस कल्प के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि कुमारों के रूप में भगवान का कलावतार हुआ। वे सदा 5 वर्ष के अबोध बालकों के रूप में नग्न घूमा करते थे और दैविक सुख, शांति और संतोष तथा ज्ञान का प्रचार करते थे। भगवान ने दक्ष प्रजापिता की कन्या मूर्ति के गर्भ में जो धर्म की पत्नी थी ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करवाने वाली भगवत भक्ति का उपदेश दिया। वे हिमालय में बद्रिकाश्रम में तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान ने बालक ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन का वरदान दिया था और उसे पूरा किया। भगवान ने ध्रुव के माता पिता को भी वैकुंठवास दिया और ध्रुव ने इस प्रकार त्रिलोकी को भी पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर विष्णु के नित्य धाम में अविचल गति ध्रुवपद प्राप्त किया। अत्याचारी, अन्यायी और कुमार्गगामी राजा बेन को ब्राह्मणों ने शाप दिया और वह जलकर भस्म हो गया। ऋषियों की प्रार्थना पर बेन के शरीर मंथन से
पृथु के रूप में भगवान का आविर्भाव हुआ। वे पृथ्वी के प्रथम अधिपति थे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, अपने धनुष के कोनों से पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल किया, उस पर खेती बाड़ी की, बस्तियां, ग्राम और नगर बनाए और बसाए। पृथ्वीवासियों में पारस्परिक प्रेम और सद्भाव उत्पन्न किया। इस प्रकार अपने कार्य, व्यवसाय और आदर्श द्वारा पृथ्वीवासियों को धर्म मार्ग पर प्रवृत्त किया और धर्म की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इस अवतार में से परमहंस के रूप में प्रकट हुए और समस्त आसक्तियों से रहित होने, विवेक और वैराग्य पाने का मार्ग बताया, जो सभी रोगों की राम बाण औषधि के समान सभी के लिए वंदनीय और ग्राह है। इसके पश्चात भगवान यज्ञ पुरुष ने यज्ञ में हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। भगवान का यह रूप वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। हयग्रीव की नासिका से श्वास के रूप में ही वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में, जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, वेद ब्रह्मा जी के मुख से गिर पड़े और सोमक राक्षस वेद चुराकर ले गया और उन्हें प्रलय के अथाह जल में समुद्र में छिपा दिया। उस समय भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण किया और उस प्रलय काल में ही उस राक्षस का नाश किया। वेदों को प्रलय के भयंकर जल की अथाह गहराइयों से खोजकर बाहर निकाला और ब्रह्मा जी के सुपुर्द किया। पृथ्वी रूपी नौका के आश्रय होकर समस्त जीवों के आश्रय बने। इस प्रकार भगवान ने देश काल और परिस्थिति के अनुरूप समय समय पर अनेकों रूप धारण किए और संसार की रक्षा की, मानव जाति को दुख और भय से छुटकारा दिलाया और उसका सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके इस प्रकार के अवतारों की असंख्य कथाएं हैं। भगवान तो अपनी इच्छा मात्र से चाहे जब कोई भी रूप ग्रहण कर सकते हैं। उनके रहस्यों को समझना असंभव है, इसलिए उनके अवतार ग्रहण करने के कारणों का अन्वेषण करना कोरी मूर्खता होगी। जो यह जानना चाहते हैं अथवा भगवान के कार्यों और इच्छाओं के बारे में यह कहते हैं कि भगवान किसी एक विशिष्ट कारण से ही कुछ करते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं, तो उन्हें केवल मूर्ख ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनका सोचना और कहना धृष्टतापूर्ण दुस्साहस के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी प्रकार के मूर्ख और अज्ञानी लोग वे हैं जो भगवान की शक्ति और योजनाओं को किसी प्रकार के लक्षणों, विशेषताओं और मर्यादाओं की सीमाओं से बांधकर अपनी कल्पित मापदंडों और तुलाओं से नापते तौलते और परखते हैं, अवतार की कसौटी निर्धारित करते हैं। कहते हैं कि उनकी कसौटी पर खरा उतरने पर ही भगवान का अवतार है, अन्यथा नहीं, क्योंकि उनके द्वारा परिभाषित दैविक सिद्धांत ही सच्चा दैविक सिद्धांत है। उनके अनुसार भगवान कार्य करते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। यह कोरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? जो असीम और अनंत है, क्या उसके लिए किसी प्रकार की सीमाओं का बंधन या मर्यादाओं की बाधा हो सकती है? उसकी इच्छा तो सर्वोपरि है, समस्त सीमाओं, मर्यादाओं और बंधनों से परे है। भगवान तो जैसा चाहते हैं और जिस प्रकार चाहते हैं करते हैं, जिस रूप में चाहते हैं प्रकट होते हैं। उनकी कोई तुलना नहीं, उनकी कोई समानता नहीं। उनका मापदंड वे स्वयं हैं और अपने साक्षी भी वे स्वयं हैं। एक बार नारद जी की अत्यधिक प्रेम भावना और भक्ति से भगवान ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंस का रूप धारण किया और आत्म तत्व को प्रकट करने वाले भागवत धर्म को प्रकाशित किया, जिससे कि भगवान के शरणागत भक्त उसे सुगमता से प्राप्त कर सकें। उन्होंने ज्ञान
और उसके प्राप्त करने के मार्ग को ऐसे सुदृढ़ आधार पर रखा कि युगों युगों तक उसके छीन या परास्त होने का कोई भय नहीं है। समस्त लोग उनकी कमनीय कीर्ति और धवल यश से आलोकित हैं। जिस समय देवता और दैत क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, भगवान ने कच्छप का रूप ग्रहण कर मंदराचल पर्वत को, जिससे सागर को मंथन किया जा रहा था, अपनी पीठ पर धारण किया। उसी समय भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया और मानव समाज को रोगों से मुक्त होने और स्वस्थ रहने के साधन बताए। हे राजन, उस समय तक वैद्य और चिकित्सक यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं समझे जाते थे। भगवान धन्वंतरी ने उन्हें यज्ञ भाग प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया और उन्हें उनका भाग दिलवाया। इस प्रकार समाज में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की और उनका सम्मान बढ़ाया। हे राजेंद्र, देखा तुमने कि कितनी अगम्य और दुर्बोध्य है भगवान की लीला इन अवतारों में। कौन उनकी गहनता, विशालता और महानता को नाप सकता है, आंक सकता है? बस इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी लीला वही जाने। सीमित ज्ञान, साधन और कल्पना के बूते पर क्या मनुष्य उस असीम, अनंत और अपार को सफलतापूर्वक अपनी किसी तुला में तौल सकता है या गज से नाप सकता है? अज्ञान की जंजीरों में जकड़े मनुष्य भगवान के नाम, गुण, धर्म और लक्षण आदि के संबंध में व्यर्थ ही वाद विवाद करते और चिल्लाते हैं। इस प्रकार परम पावन को अपनी दूषित और अपवित्र सीमाओं में घसीटकर दोष और पाप के भागी बनते हैं, अधिक उलझते जाते और छटपटाते रहते हैं। इसके विपरीत यदि मनुष्य भगवान के अवतार रूप में प्रकट होने पर बिना किसी अविश्वास के, संदेह रहित होकर उनके दर्शन प्राप्त कर ले, तो उनका अनुग्रह प्राप्त करना आसान है। किंतु इसके लिए उसे अपने अंदर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा करनी होगी। भगवान के नाम और रूप के प्रति अपने अंतर में उठने वाले संदेहों और द्वंद्वों एवं घटनाओं और चर्चाओं आदि से उत्पन्न शक संदेहों से अपने आप को मुक्त करना होगा, क्योंकि हृदय की निर्मलता और पवित्रता से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर जब भगवान के दर्शन करने पर विचार निखर कर स्थिर हो जाए, संशय शेष ना रहे, भगवान में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाए, जीवन में स्वतः ही पूर्ण परिवर्तन हो जाए, तभी समझो भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार बड़ा रहस्यमय है। ऐसी माधुरी की मूर्ति है जिसने सबको सम्मोहित कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण में आकर्षक सौंदर्य, अवर्णनीय माधुर्य तथा अतुलनीय और अथाह प्रेम का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण था कि उसके संबंध में कुछ कहते नहीं बनता। वे तो आनंद के स्रोत और दैविक गुणों के अथाह सागर थे। कैसी सहज सरलता और विनम्रता थी उनमें, और साथ ही कितनी विशाल थी उनकी अति मानवीय दिव्यता। उनके दर्शन मात्र से ही पूर्ण तृप्ति हो जाती है। उनके शब्दों का श्रवण पर्याप्त है और उनके स्पर्श मात्र से ही उद्धार है। यदि दर्शन, स्पर्शन और संभाषण प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। अन्य समस्त कर्मकांड, पूजा विधि, जप तप आदि का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएं, उनके पवित्र शब्द कानों में पड़ जाएं, उनके स्पर्श का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाए। जो आनंद, जो लाभ भगवान के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से उपलब्ध होता है, वह किसी अन्य औपचारिकता से प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्रीय विधान उनके सामने कुछ नहीं, कैसा अथाह आनंद है। इतना कहते हुए सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य और प्रेम में ऐसे ध्यान मग्न हुए कि वे चुप हो गए।
नेत्र बंद हो गए, आनंदाश्रु बह चले। ना उन्हें अपनी सुध रही, ना अपने श्रोताओं की, वे समाधिस्त हो गए। और उनके श्रोतागण भी, महाराज परीक्षित और अन्य ऋषि मुनिगण जो वहां बैठे थे, श्री सुखदेव जी को इस प्रकार आनंद विभोर होकर समाधिस्त होते हुए देखकर बड़े विस्मित और आनंद पुलकित हो गए। सुखदेव जी के मुखमंडल पर उस समय जो तेज प्रकट हुआ, उसका प्रभाव उन श्रोताओं पर पड़े बिना ना रहा। वे सब मंत्र मुग्ध मूर्ति से बने एक टक उनकी ओर निहारते ही रह गए। ठगे से स्तब्ध थे, ना कुछ कहने की हिम्मत, ना हिलने डुलने का साहस, आश्चर्यचकित और आनंद विभोर। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। श्री सुखदेव जी ने आंखें खोली और उनके मुख से धीरे धीरे शब्द निकले। कितने सौभाग्यशाली थे वे गोप और गोपियां जो उनके साथ रहते थे। कितने दैविक आनंद का रसपान करते होंगे वे लोग जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने, खेलने कूदने, बातें करने, नाचने गाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता था। देवतागण भी उनके सौभाग्य से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उन्हें भी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। किंतु उन अशिक्षित और अबोध ग्रामीणों को वह परम सौभाग्य और सुअवसर यूं ही अचानक प्राप्त नहीं हुआ था। वह तो उनके अनेकों पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों और संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही उन्हें उपलब्ध हुआ था। वे गोप गोपियां सामान्य प्राणी नहीं थे। यद्यपि बाहर देखने में वे नितांत साधारण, अबोध और अशिक्षित ग्रामीण लगते थे, किंतु उनके अंतर में जो सत्य ज्ञान का अथाह भंडार छिपा था, उसे कोई बिरला ही जान और समझ पाता था। और यदि यह बात नहीं होती तो भला उन्हें भगवान के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण के वे स्वच्छंद सुअवसर कैसे प्राप्त होते जो श्री कृष्ण की महारानियों रुक्मणी और सत्यभामा तक को भी प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोप गोपियां तो भगवान की उन महारानियों से भी अधिक सौभाग्यशाली थे। उन्हें इस प्रकार का परम सौभाग्य उनके अनेकों पूर्व जन्मों के शुभ और सत्कर्मों और संस्कारों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ था। मुनिवर सुखदेव जी को भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन करते हुए आनंद आया कि वे पुनः समाधिस्त हो गए। उनके नेत्र बंद हो गए, होठों पर एक मधुर मुस्कान झलक उठी। महाराज परीक्षित आनंद और आश्चर्य के साथ रोमांचित हो उठे और सोचने लगे कि जब सुखदेव जी भगवान के दैविक जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं तो उनका मन भगवान में इतना तल्लीन हो जाता है कि उन्हें अपनी सुध ही नहीं रहती, आनंद मग्न हो जाते हैं, समाधिस्त हो जाते हैं और उनसे आनंद की लहरें उठने लगती हैं और श्रोतागण भी उनमें डुबकियां लगाने लगते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के दैविक चरित्र और लीलाओं को सुनने और उनसे आनंद प्राप्त करने को और अधिक अधीर और उत्सुक हो उठे। सुखदेव जी की समाधि टूटी और उन्होंने अपना कथन पुनः आरंभ किया और महाराज परीक्षित भी ऐसे दत्त चित्त होकर सुनने लगे कि उन्हें भी अपनी सुध ना रही। कुछ घटनाएं सुनकर तो उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि उन घटनाओं के हो सकने पर ही उन्हें विश्वास ना हुआ। उन्हें बड़ा असहनीय खेद हुआ कि यह अविश्वास क्यों पैदा हुआ। उन्होंने अपने संदेह सुखदेव जी के सामने रखे और मुनि श्रेष्ठ सुखदेव जी ने उनके संदेहों का निवारण किया और महाराज परीक्षित के मन को शांति हुई। इसी क्रम में महाराज परीक्षित के मन में गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के संबंध में एक बहुत ही बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने मन में ही तर्क वितर्क कर इसका समाधान ढूंढना चाहा, किंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनमें अंतर्द्वंद चल रहा था, किंतु वे अपने विचारों को पूर्ण रूप से छुपाए रखकर प्रकट ना होने देना चाहते थे। सुखदेव जी सदिश महामुनि से भला यह कैसे छिपा रह सकता था। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से प्रश्न किया, तुम्हारे मन में कोई कुत्सित विचार उत्पन्न हुआ है
और उसके अंतर्द्वंद से तुम दुखी हो। इस समय तुम्हें इस प्रकार संदेहों से ग्रसित होकर दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी संदेह मन में उठा है उसे स्पष्ट कर दो। संकोच करने का कोई कारण नहीं है। मैं तुम्हारे समस्त संदेहों का निराकरण करूंगा। तुम्हारी जिज्ञासा और पिपासा शांत हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण संतोष और शांति प्राप्त होगी। सुखदेव जी के ऐसे प्रोत्साहन पूर्ण शब्द सुनकर महाराज परीक्षित ने अपने मन में उठ रही शंका को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। हे स्वामी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य आपके सामने स्पष्ट है। जो संदेह मुझे सता रहा है उसके निराकरण कर सकने में आप समर्थ हैं। आप मेरे संदेह का निवारण करें जिससे मेरा उद्विग्न मन शांत हो सके। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े और विनयपूर्वक प्रार्थना की। हे गुरुदेव, मैंने वृंदावन की गोपियों और श्री कृष्ण की रास क्रीड़ाओं और रास लीलाओं के अनेकों वर्णन सुने हैं। उनसे तो ऐसा लगता है कि वे सब अधम कोटि के लोगों की तरह ही विषय वासनाओं की तृप्ति के खेल खिलवाड़ और काम क्रीड़ाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं थे। क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की रास क्रीड़ाएं और लीलाएं श्री कृष्ण रचते थे और उनमें इस प्रकार वे रमते थे? यदि हाँ, तो फिर हम उन्हें उनकी दैविक लीलाएं कैसे कह सकते हैं? क्या यह संसार उनकी निंदा नहीं करता, इन्हें अमान्य नहीं ठहराता? क्या वृंदावन में और यमुना तट पर हुई इन रास लीलाओं को लोग हे दृष्टि से नहीं देखते और श्री कृष्ण के दैविक नाम को कलंक नहीं लगाते? कहा तो यह जाता है कि जो त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये गोपियां तो अपनी इच्छाओं और वासनाओं, कामुकता और आसक्तियों में जकड़ी हुई थी, लेकिन जब यह कहा जाता है कि गोपियों को मोक्ष प्राप्त हुआ तो बड़ा विस्मय होता है और सब कुछ बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन यदि बाहर से अनैतिक दिखने वाले उन क्रियाकलापों के पीछे भी कोई रहस्य छिपा हो, इसके भी कुछ आंतरिक अर्थ हो, भिन्न दृष्टिकोण हो, तो स्पष्ट करने की कृपा करें। महाराज परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी खूब हंसे और कहने लगे, हे राजन, ऐसा मत सोचो। जिस संदेह से तुम ग्रसित हुए हो वह बहुत ही कुत्सित और घातक है, क्योंकि जिसने इस बात का अनुभव कर लिया है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, उसके मन में इस प्रकार से संदेह उत्पन्न नहीं होते। इस समय द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और वह समाप्त होने को है तथा कलयुग आरंभ होने वाला है। यह कलयुग की ही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई है और तुम्हें इस प्रकार से संदेहों से ग्रसित कर रही है। तुम्हारा तो यह दृढ़ विश्वास रहा है कि श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनका प्रत्येक कार्य तुम्हारे हृदय में दैविक तेज के साथ चमकता है। जिस क्षण उनका नाम तुम्हारे मन में आता है, तुम उनके ही ध्यान में निमग्न हो जाते हो और आनंदित हो जाते हो। इसलिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति के मन में तो संदेह आने ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के संदेहों से तुम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को ही खो रहे हो। हृदय में उन कार्यों और व्यवहारों के लिए कोई स्थान नहीं है जो वासनाओं और आसक्तियों से जनित और प्रेरित हो। फिर यह सोचो कि मेरे सदिश व्यक्ति श्री कृष्ण और गोपियों की दैविक क्रीड़ाओं के संबंध में सोचते और विचार करते ही कितने आनंद का अनुभव करता है और सुत खो बैठता है। मैं उन गोपियों के भाग्य को कितना सराहता हूं जिन्हें भगवान का अमूल्य सानिध्य प्राप्त हुआ था। क्या उन्हें निम्न कोटि की काम क्रीड़ाएं कह सकते हैं, अथवा वे विशुद्ध दैविक आनंद का अतिरेक थी? तनिक सोचो तो। अनुभवहीन और अज्ञानी आंखों को तो विषयासक्त कामुक लोगों के क्रियाकलापों और विशुद्ध दैविक आनंद में डूबे लोगों के व्यवहारों में समानता ही दिखाई देती है और वे उनमें कोई भेद नहीं कर पाते, उन्हें एक सा समझते हैं। किंतु जब इंद्रियां, विचार
और भाव शुद्ध होकर प्रेम से श्रेय की ओर उन्मुख होते हैं। व्यक्ति समष्टि में लीन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा विश्वात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उस समय सही अर्थ समझ में आता है। भगवान की इन लीलाओं को इंद्रिय लिप्सा से पूर्ण, कामुकता पूर्ण कहना या सोचना नितांत अज्ञानता और मूर्खता ही है। यदि हत्यारे के हाथ में कोई चाकू हो तो सब भयभीत हो जाते हैं, किंतु चाकू किसी कुशल डॉक्टर के हाथ में हो तो भय के स्थान पर संतोष होता है कि रोगी का दुख दूर हो जाएगा। चाकू तो दोनों के हाथ में होता है, किंतु हाथ में चाकू होने से ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। देखना यह होता है कि चाकू किसके हाथ में है और किस उद्देश्य से है। इसी प्रकार जो दैहिक और भौतिक परिधि में अपने आप को केंद्रित और सीमित किए हुए हैं उनके कृत्यों को हम अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु जो इन सीमाओं को तोड़कर उठ जाते हैं, स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ मार्ग के राही होते हैं, अपने आप को आत्म तत्व में केंद्रित कर परमात्म तत्व विश्वात्मा के साथ एकाकार कर लेते हैं, उनके कार्य सर्वहितकारी प्रशंसनीय और संदेहों से परे होते हैं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। अब नन्द बाबा रोज सालिग्राम की पूजा करते हैं तो कन्हैया ने सोचा कि मैं ही तो सालिग्राम हूं, मेरी पूजा क्यों नहीं करते हैं। और भगवान ने दूसरी चीज ये सोची कि रोज बाबा इस पर शहद चढ़ाते हैं, रोज इस पर दूध चढ़ाते हैं, ये तो बड़ी मीठी वाली चॉकलेट होगी, जरा लेकर तो देखें। तो नंद बाबा दूध लेने के लिए पूजा घर से अंदर गए और भगवान ने उठाकर सालिग्राम को मुख में रख लिया। मुंह फूल गया। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने पूछा कि क्यों कन्हैया, भगवान सालिग्राम कहाँ चले गए। कन्हैया ने कहा, बेटा कहीं तूने गेंद समझकर बाहर तो नहीं फेंक दी। कन्हैया ने कहा, मैं कोई जेजे को बाहर फेंकूंगा। तो बेटा कहीं तूने छुपा तो नहीं दिए। लाला सही बता, अपने पूर्वजों के भगवान सालिग्राम है, कहीं तूने छुपा तो नहीं दिए। लाला ने कहा, मैंने अभी तक कुछ छुपाया है क्या। तो बेटा भगवान सालिग्राम कहाँ चले गए। रोने लगे नंद बाबा, लेकिन कन्हैया का गाल देखा कि बड़ा फूला हुआ है। पूछा, तेरे मुख में क्या है। कन्हैया का, मधुमक्खी आई, मुझे काट खाया इसलिए गाल सूज गया है। नंद बाबा ने कहा, अभी एक मिनट पहले तो सब बढ़िया था, एक मिनट में इतनी सारी घटनाएं हो गई। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तेरा मुंह तो खोल। कन्हैया ने कहा, पिताजी मैं मुंह नहीं खोलूंगा, अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञ मुझ में हैं, सारे धर्म मुझ में हैं, सारे लोक और लोकांतर मुझ में समाए हैं, और पिताजी मैंने मुख खोल दिया तो आपका मुख बंद हो जाएगा। नंद बाबा ने जब कन्हैया को डांटा और कन्हैया ने जब मुख खोला तो नंद बाबा को भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। अब तो नंद बाबा घबराए
और दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए। यशोदा रानी सुनो, यशोदा रानी सुनो, यशोदा रानी सुनो। यशोदा ने कहा क्या हुआ? बोले यशोदा रानी आज मैंने ना अपने कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा। तो यशोदा बोली मुस्कुराकर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोले क्यों? कहा 60 के बाद ऐसा ही होता है, 60 के बाद ऐसा ही होता है। एक दिन सबने आकर शिकायत करी, देखिए भगवान का बालकृष्ण रूप, सबने आकर शिकायत करी, मैया कन्हैया ने माटी खाई है। तो मैया जाती है डंडा लेकर, क्यों? रे मदात्मना मरकत जातु बंधा। अरे बंदरों के मित्र, तूने मट्टी खाई? मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। नहीं तूने मट्टी खाई। मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। नहीं तूने मट्टी खाई। मान ले रही मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। नहीं तूने मट्टी खाई। चल मुंह खोल। मैया मैं मुंह नहीं खोलूंगा। हरेक बात पे, गालिब ने कितनी अच्छी बात कही है, हरेक बात पे कहते हो कि तुम, तू क्या है? हरेक बात पे कहते हो कि तुम, तू क्या है? तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगु क्या है? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? प्यार तो वही है जो आंखों से टपकता है, जो रोम रोम से टपकता है, वही तो प्रेम है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? तू बंदरों का मित्र है। बोले वो तो मैं हूं, बंदर तो मेरे मित्र हैं, बंदर मेरे भक्त हैं। चल मुंह खोल। जबरदस्ती माने भगवान का मुख खुलवाया तो मां को भी, भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो यशोदा रानी दौड़े दौड़े आई, दौड़े दौड़े आई और दौड़कर आकर कहती यशोदा के पास, यशोदा रानी दौड़कर आई और दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आई। सुनो कन्हैया के बाबा, कन्हैया के बाबा, ओ कन्हैया के बाबा। कहा क्या हुआ? कहा जल्दी आओ नंद बाबा, गाँव के प्रधान हैं, पंचायत के बीच में बैठे थे, बीच में उठाकर लाई। नंद बाबा आए, क्या हुआ? बोले सुनो सुनो, आज मैंने भी कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा। तो नंद बाबा तो सब भूल गए हैं माया के कारण। नंद बाबा ने कहा इधर आओ, बगल में बरसाने, बरसाना है, बरसाने में एक बेद जी हैं, उनके पास जाओ, 60 के बाद ऐसा ही होता है। अब सारी गोपियां एकत्रित हो गई हैं, सर्ववेद प्रतिपाद्य, गोपियां चर्चा कर रही है, सब वेदों के प्रतिपाद्य जो भगवान है वो यशोदा के घर में विराजमान है। वो भगवान वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, शास्त्र भी जिनकी वंदना करते हैं, वो भगवान माँ ईश्वर अम्मा की गोद में विराजमान हैं, वो भगवान माँ के हाथ से भोजन कर रहे हैं, वो भगवान माँ के सामने रो रहे हैं, वो भगवान माँ हंसा रही है तो हंस रहे हैं। गोपियों ने एक संगठन बनाया कि किसी भी बहाने से एक बार तो श्याम सुंदर का दर्शन करो, एक बार तो साईनाथ का दर्शन करो। और ब्रिज का वो भजन कि सांवरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, ओ मेरी हो गई रे पिया, ओ मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन।
पिया मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सावर से प्रीत मेरी हो गई है प्रिया, मेरी हो गई है प्रिया, मैं तो वृंदावन जाऊं। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। लगन में लगन ऐसी लगी है प्रिया, ऐसी लगी है प्रिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सांवरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई है प्रिया, मेरी हो गई है प्रिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ललिता भी जावे विशाखा भी जावे, ललिता भी जावे विशाखा भी जावे, ललिता भी जावे भी शाखा भी जावे, ललिता भी जावे विशाखा भी जावे, मैं जैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं फुट परती में साईं भयो है, फुट परती में साईं भयो है, ईश्वर अम्मा के घर आनंद भयो है, ईश्वर अम्मा के घर आनंद भयो है। मैं तो बार बार वारी जाऊं रे पिया, वारी जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मैं तो बार बार वारी जाऊं रे पिया, मैं तो जाऊंगी पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सांवरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। सांवरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में लगन ऐसी लगी है पिया, ऐसी लगी है पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। चोरी चोरी माखन खावे, चोरी चोरी माखन खावे, मात यशोदा तो है मनावे, मात यशोदा तो है मनावे। हरी अरज सुनो गिरधारी रे पिया, गिरधारी रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। हरी अरज
पिया, ऐसी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। भगवान के सारे अवतार कितने मर्यादित हैं। रामावतार ओहो, श्री सत्य साई अवतार परम मर्यादा के स्वरूप, पर कृष्णावतार तो मानो भगवान का आनंदमय अवतार है। साई कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। भगवान सत्य साई बाबा और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में कोई दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। दोनों अवतारों में बस इतना अंतर है कि इस अवतार में बड़े गंभीर होकर भगवान आए हैं, क्योंकि सेवा के लिए आए हैं ना, समाज को संस्कार देने के लिए आए हैं। और इस अवतार में तो मानो माधुर्य, इस अवतार में तो ये तो चपलता का ही अवतार है। इतनी चपलता का अवतार है कि एक बार सब गोपियां शिकायत करने आई हैं कि देख तो यशोदा रानी तेरा कन्हैया, एक बार हमने सत्यनारायण की कथा का आयोजन घर में रखा। काय कह रखा? सत्यनारायण की कथा का आयोजन। तो ये कन्हैया आया, सत्यनारायण की कथा जब होती थी प्रसाद भी बनता है, तो कन्हैया आया और आकर बोला कि काकी थोड़ा सा प्रसाद हमें ही दे दे। तो काकी ने कहा बेटा पहले कथा तो हो जाए, भगवान के भोग तो लग जाए। बोले नहीं नहीं काकी, थोड़ा सा प्रसाद दे दे। जब काकी ने प्रसाद नहीं दिया ना, तो कन्हैया ने कहा यही मान ले कि मैं ही सत्यनारायण हूं। कन्हैया ने क्या कहा कि काकी यही मान ले कि मैं ही सत्यनारायण हूं। पर काकी है कि मानने कोई तैयार नहीं है, कि तू कैसे सत्यनारायण है? सत्यनारायण तो आसमान में है, तू तो धरती पर है। और कन्हैया मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि सत्यनारायण मेरे को दर्शन देने घर में ही आ जाए। अच्छा नहीं देगी, नहीं देगी। तो पता है यशोदा रानी, जिस सिंहासन मैंने भगवान के लिए बनाया था ना, ये कुत्ते के पिल्ले उठा के ले आया, उस पर बिठा दिए और बोले कि देख काकी आकर विराजमान हो गए सत्यनारायण, भोग तो लगा दे पिंजरे का, पिंजेरी का। अच्छा राम राम राम। एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और बोली चल तेरी माँ से शिकायत करती हूँ। अब पहले माताएं घूंघट किया करती थी ना कि वाला कुटियर कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, और आठा हूँ सिद्धि नवौनी दी को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, ऐ रस खानु जब इन नैनन ने ब्रिज के बन बाग निहारो, ओ कोटिक ये कल धौत के धाम करहिल के कुंजन ऊपर बारो। तो काकी ने भगवान को पकड़ लिया, घूंघट किए हुए है, यशोदा के पास जाकर शिकायत करना है। और आज तो ये चोर हाथ में आ ही गया है। सबसे बड़े चोर हैं हमारे भगवान, पता है क्यों चोर है? वो हमारे दोषों को चुराते हैं। चोरी चुपचाप होती है ना, चोरी से कृपा करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और भगवान कितनी कृपा कर देते हैं, कितनी कृपा कर देते हैं भगवान। बाबा ने चोरी से हमें कितना कुछ दे दिया है हमें पता ही नहीं है, फिर भी हम आते हैं तो लिस्ट लेकर ही आते हैं। जो दिया उसके प्रति कभी धन्यवाद नहीं देते हैं, दिया उसके लिए कभी हमने भगवान बाबा को धन्यवाद दिया? धन्यवाद तो उनको दिया ही नहीं जा सकता, कम से कम आंसू ही बहा दो कि हे नाथ, मुझ जैसे अकिंचन को जो मांगता ही मांगता है, उसको आप कितना दे रहे हो, कितना दिया है और कितना चाहते हो। चोरी से कृपा करते हैं, दोषों को चुराते हैं, अज्ञान को चुराते हैं, अहंकार को चुराते हैं, वासना को चुराते हैं, जन्मों की यात्रा को चुराते हैं। इसलिए तो भगवान सबसे बड़े चोर हैं। तो ये जो काकी है, ये घूंघट कर भगवान को ले जा रही है। भगवान ने कहा अच्छा काकी ने घूंघट किया हुआ है। तो उस काकी के अंधे ससुर जी सामने से आ रहे थे। भगवान ने कहा काकी बहुत हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लेना, मैं चली तो रहा हूं। कहो ठीक है। जैसे उसने हाथ छोड़ा, भगवान ने ससुर जी का हाथ पकड़ा दिया और खुद घर में चले गए, आराम से भोजन करने लगे।
फिर इसने जाकर दरवाजा खटखटाया, यशोदा देख आज तो चोर लेकर ही आई हूं मैं, और सर में भी मारती जा रही है, चोर कहीं के। ससुर जी कह रहे हैं देखो बुढ़ापे में यही गति होनी थी। आपने सुना हो कि एक बंबई की लड़की की शादी छोटे से गांव में हो गई, ये बड़ा प्रिय दृष्टांत थे अधिकतर हम देते हैं। तो अब छोटे से गांव में हो गई, तो गांव में सास ने कहा बेटी यहाँ तो जो भी नई बहू आती है ना उसको छाछ करनी पड़ती है। अब छाछ करनी पड़ती है तो वो तो बंबई से आई थी, वो छाछ कैसे करेगी। अब उसने हाथ से छाछ करी तो मक्खन ऊपर आया तो जोर से चिल्लाई, बोले सासू जी जल्दी आइए। सास ने कहा क्या हुआ, बोले नहीं जल्दी आइए। सास ने कहा हुआ क्या, बोले सासू जी जल्दी आइए। सास ने कहा हुआ क्या, बोले मक्खन ऊपर आ गया है, थोड़ी देर और लगाई आपने तो मक्खन डूब जाएगा। सास आई और आके बहू में एक तमाचा दिया कि तेरे को इतना भी नहीं मालूम मक्खन तेरे ससुर जी का नाम है। उसने कहा हे राम, मक्खन ससुर जी का नाम है, छाछ सास का नाम होगा, दही ननंद का नाम होगा, पनीर देवर का नाम होगा, दूध पति का नाम होगा, ये घर है कि दूध डेरी है। अब बेचारी दूसरे दिन फिर छाछ की, फिर मक्खन ऊपर आया, पर क्या करे तो जोर से चिल्लाई, बोले सासू जी। सास ने कहा क्या हुआ, बोले जल्दी आइए। सास ने कहा हुआ क्या, बोले जल्दी आइए। सास ने कहा क्या हुआ, बोले ससुर जी ऊपर आ गए हैं, और अगर आपने थोड़ी देर और लगाई तो ससुर जी डूब जाएंगे। पकड़ कर ले गई, देख ये चोर आज मेरे हाथ में है, आज तो मैं इसे दंड देकर ही मानूंगी। इतने में यशोदा दरवाजा खोलती है, देखती है कि इसने घूंघट किया है, ससुर जी का हाथ पकड़ा हुआ है, कभी ससुर जी के कान पर मार रही है, कभी सर में मार रही है। ससुर जी भी बिल्कुल चुप हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि भाई बदतमीजी की हद क्या होती है। इतने में यशोदा बाहर आती है और आकर कहती है कौन चोर है, ये चोर है। अच्छा ये चोर है, सबसे बड़ा चोर है तेरा लड़का, रोज रोज माखन चुराता है और खुद खावे तो दुख नहीं, गांव में बांटता है, लोगों को बांटता है, बंदरों को बांटता है। यशोदा जी ने कहा एक काम कर, पहले घूंघट हटा कर देख। घूंघट हटा कर देखा तो ससुर जी खड़े हैं। अरे कि पिताजी मुझे क्या पता था आप हैं। बोले बेटी बस बुढ़ापे में यही तो दिन देखने थे। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने धनुष को मध्य भाग से मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी, जिससे दसों दिशाएं गूंज उठी। भय से संपूर्ण जंगल थर्रा गया। जंगली पशु भयग्रस्त हो यत्र तत्र भागने लगे। ताड़का भी इसके घोर नाद को सुनकर एक बार तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर क्रोधाभिभूत हो जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। राम ने देखा कि वह राक्षसी पर्वत अथवा विशाल काय हाथी के समान उनकी ओर दौड़ी आ रही थी।
उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहा, अनुज इसकी विकरालता को तो देखो, क्या कोई सामान्य प्राणी इसके इस भयानक दानवीय स्वरूप को देख सकता है? इसका तो रूप ही अति भयानक है, भला इसके पराक्रम का तो कहना ही क्या। यह स्त्री है, जब मैं इसकी हत्या करने का निश्चय करता हूं तो मेरा मन पूरी तरह सहमत नहीं होता। मेरे विचार में यदि इसके हाथ पैर काट दिए जाएं तो यह मर जाएगी, इसके नाश के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ताड़का दोनों हाथ फैलाए राम की ओर झपटी ताकि वह उन्हें पकड़कर गले में निगल कर खा जाए। वह जोर जोर से गर्जना कर रही थी। विश्वामित्र आंखें मूंद कर प्रार्थना कर रहे थे कि इस युद्ध में दोनों भाइयों को कोई कष्ट ना पहुंचे। राम की उपस्थिति में ताड़का को एक प्रकार का झटका सा लग रहा था, अतः वह अत्यधिक कठिनता पूर्वक उनके समीप बढ़ती आ रही थी। एक दो बार तो वह उनके निकट गई, लेकिन तुरंत ही पीछे लौटना पड़ा। वह अत्यधिक कुपित हो ऐसे उछली कि उसके पैरों से उड़ी धूल आकाश में छा गई, जिसके कारण गहन अंधेरा हो गया। एक क्षण तो राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अवाक रह गए। तुरंत ही माया और विनाश कला में निपुण ताड़का ने पत्थरों की वर्षा कर दी। राम ने निश्चय कर लिया कि ऐसी राक्षसी को अब पृथ्वी पर जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसे स्त्री मानकर भी नहीं छोड़ा जा सकता था, अतः उन्होंने प्रत्यंचा की डोर खींचकर ताड़का को लक्ष्य कर बाण छोड़ा। इस पर वह एक बार फिर राम पर झपटी। राम के बाण प्रहार से उसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं। वह दुख और पीड़ा से कराहती हुई भूमि पर गिर पड़ी। लक्ष्मण ने एक एक करके उसके सारे अंग काट डाले, लेकिन ताड़का भी निज इच्छानुसार एक के बाद एक रूप बदलती रही। वह तुरंत एक रूप त्याग कर दूसरा धारण कर लेती थी और पुनर्शक्ति प्राप्त कर उनसे युद्ध करने लगती थी। लगता था जैसे वह मर गई हो, लेकिन तुरंत ही जीवित रूप में आ जाती थी। वह एक ही समय में अनेक रूप धारण कर पहले की भांति पत्थरों की वर्षा करने लगी। उसने युद्ध की अनेकानेक कुटिल चालों का प्रदर्शन किया। यद्यपि राम और लक्ष्मण सतर्क थे, फिर भी उनके शरीर पर कुछ घाव हो गए। यह देखकर विश्वामित्र ने सोचा कि अब उस राक्षसी की हत्या में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, राम संकोच मत करो, यह समय इसके नारीत्व को सोचकर इस पर दया करने का नहीं है। इसके अंगों को काटने से कोई लाभ नहीं। राक्षस जब तक जीवित रहते हैं माया से अनेक रूप धारण कर सकते हैं, अतः इसका वध करने का निश्चय करो और तैयार हो जाओ। ज्यों ज्यों संध्या का समय आएगा, इस राक्षसी की गर्जना और क्रोध बढ़ता जाएगा। सूर्यास्त के बाद राक्षसों का सामना करना असंभव हो जाता है। इसका तो अभी नाश कर देना चाहिए, उठो। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र ने सुरक्षा पद पवित्र मंत्रों का पाठ किया। जिस दिशा से भी आवाज आई, उसी दिशा में राम ने बाण निर्देशन शक्ति द्वारा यह जान लिया कि ताड़का किस दिशा में थी, और उन्होंने उसी दिशा में शब्द भेदी बाण छोड़ा। बाणों के परिणाम स्वरूप वह सब ओर से बंध गई और बिल्कुल भी हिल ना सकी। फिर ताड़का ने क्रोध से दांत पीसते हुए अपनी भयंकर जिह्वा निकालकर राम और लक्ष्मण पर झपटने का तथा उन्हें अपने बोझ से कुचल देने का प्रयत्न किया। इस पर राम ने निश्चय किया कि अब यदि थोड़ा सा भी विलंब किया तो भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने ताड़का के वक्ष में बाण मारकर उसकी छाती चीर दी। उसके साथ ही वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। जहां वह गिरी वहां भूमि में गहरा गड्ढा हो गया। उस विशाल काय राक्षसी के भूमि पर गिरने के कारण आसपास के बड़े बड़े वृक्ष भी समूल उखड़कर गिर पड़े। उसका अंतिम श्वास इतना मायावी और गर्जनापूर्ण था कि वहां के जंगली जानवर भय के मारे
भाग खड़े हुए। पशुओं के दल यत्र तत्र दौड़ने लगे। उस भयानक दानवी के नाश के पश्चात विश्वामित्र ने राम को पास बुलाकर स्नेह पूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्या तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं नहीं, त्रिलोक के रक्षक को भय कैसा? आओ, तुम बहुत थक गए हो, सूर्य भी अस्त हो गया है, संध्या पूजन करके कुछ क्षण विश्राम करो, मेरे साथ आओ। उन्होंने सारी रात विश्वामित्र से कहानियां सुनकर बिताई। ऋषि ने भी उन्हें उनकी पराक्रमी शक्तियों के विषय में बताया। प्रभात की पहली किरण फूटी। ऋषि ने प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न किए और मुस्कुराते हुए दोनों बालकों के पास गए। वे उनसे अति मृदु और मधुर स्वर में बोले, राम, तुम्हारे पराक्रम पर मैं अति हर्षित हूं। जब तुम ताड़का का सामना कर रहे थे तभी मैंने तुम्हारे ब्रह्मत्व को जान लिया था। वास्तव में मैं धन्य हूं। विश्वामित्र के नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक आए। उन्होंने अपने सभी अस्त्र अति श्रद्धा पूर्वक राम के हाथों में सौंपते हुए कहा, मुझे इन अस्त्रों को रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं इन्हें रखूं भी तो क्या लाभ? तुम ही सब अस्त्रों के स्वामी और चालक हो। ये अस्त्र भी तुम्हारे साथ प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि फिर ये अपना उद्देश्य एवं कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। इसी क्षण से मेरे द्वारा निर्देशित ये सभी अस्त्र तुम्हारे हो गए और तुम जिस उद्देश्य से अवतरित हुए हो उसमें ये उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने समर्पण संबंधी कुछ मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़का। उन्होंने राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर अस्त्र, ऐशिकास्त्र तथा सबसे अधिक बलशाली और विनाशकारी ब्रह्मास्त्र प्रदान किए। वे पल भर के लिए आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो बैठे, फिर यह कहते हुए खड़े हो गए, इन अस्त्रों का भी मुझे क्या करना है? उन्होंने राम को दो शक्तिशाली गदाएं दी, मुदकी और शिखरी। उन्होंने कहा, आश्रम में पहुंचने पर मैं तुम्हें अन्य अस्त्र, आग्नेयास्त्र, कौंच अस्त्र, नारायण अस्त्र, वायु अस्त्र आदि दूंगा। वे बोले, बेटा ये सभी अस्त्र अपने स्वामी के आदेशानुसार चलते हैं तथा इनमें अद्भुत शक्ति है। ऐसा कहते हुए उन्होंने राम के कान में वे मंत्र बताए जो उन अस्त्रों को क्रियान्वित, प्रेरित तथा लक्ष्य की ओर प्रचंड रूप में लक्षित करते थे। फिर उन्होंने अपने सामने ही राम से उन मंत्रों को दोहराने को कहा। थोड़े ही समय में राम ने उन सभी अस्त्रों में प्रतिष्ठित देवताओं के दर्शन कर उनकी कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि प्राप्त की। प्रत्येक देवता ने राम के समक्ष प्रकट होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हरेक ने कहा, राम, इसी क्षण से हम आपके किंकर बन गए हैं। हम सभी यह प्रण करते हैं कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। वे सभी फिर अदृश्य हो गए। राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि का चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुजी, आपका हृदय तो त्याग का कोष है। मैंने अनुभूति कर ली है कि आप त्याग और योग की प्रतिमूर्ति हैं। अन्यथा क्या विश्व में अन्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे शक्तिशाली एवं घोर अस्त्रों को त्याग कर उन्हें दान में दे दे? स्वामी, कृपया मुझे इन अस्त्रों की संहार विधि बताएं। आपने मुझे इन अस्त्रों के संचालन का मंत्र तो सिखा दिया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये अपना कार्य पूर्ण कर लें तो इन्हें पुनर्प्राप्त कैसे किया जाए? यह सुनकर विश्वामित्र प्रसन्न हो बोले, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, पित्र, सोमनस, कृष्ण, वीरस्य, यौगंध, विधूत, करवीरक, जृंभक आदि ये शक्तियां और साधन उनका प्रयोग करने वाले धनुर्धारी द्वारा मंत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त संकल्प के अनुसार स्वतः वापस आ जाती है।
अब मैं तुम्हें वे मंत्र देता हूं। फिर उन्होंने राम को वे मंत्र दिए। जब राम ने उन मंत्रों को पढ़ा तो उनमें प्रतिष्ठित देवगणों ने वहां प्रकट हो अपने नए स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया। राम ने उनसे कहा कि वे जब उनका आह्वान करें तो वे आने को तैयार रहें। विश्वामित्र ने अग्रिम यात्रा आरंभ करने को कहा और तीनों ने प्रस्थान किया। कुछ ही दूरी पर उन्होंने ऐसे स्थान में प्रवेश किया जहां उन्नत चोटियों वाले पर्वत थे। उनकी दृष्टि एक मोहक उद्यान पर पड़ी जिसकी भीनी भीनी मीठी सुगंध से उनके शरीर व मन को आनंद मिला। दोनों भाई यह जानने को उत्सुक थे कि वह मनोरम स्थल किसका था। उन्होंने ऋषि से पूछा। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, वत्स, यह वह पुण्य स्थल है जहां पर पृथ्वी पर अवतरित अवतार अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु तपस्या करते हैं। महान कश्यप ने यहां तपस्या की और अपना परम लक्ष्य प्राप्त किया। यह स्थान पुनीत कर्मों हेतु विजय तथा सफलता प्रदान करता है, अतः इसे सिद्ध आश्रम कहते हैं। मैंने स्वयं भी भक्ति श्रद्धा एवं समर्पण भावना के विकास हेतु यहां शरण ली थी। यह आश्रम उन राक्षसों का लक्ष्य केंद्र है जो यहां के सभी पवित्र कर्मों में विघ्न डालकर उन्हें दूषित कर देते हैं। जब वे यहां ऐसे कुत्सित कर्म करने का प्रयास करें तो तुम्हें उनका वध करना है। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र ने उस मनमोहक वाटिका में प्रवेश किया। उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक कहा, आज से यह आश्रम तुम्हारा भी उतना ही है जितना आज तक यह मेरा था। इन वचनों के साथ ही ऋषि के नेत्रों से हर्ष के अश्रु फूट पड़े। ज्यों ही उन्होंने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया वहां के निवासी दौड़कर बाहर आए और अपने स्वामी के चरण धोकर राम व लक्ष्मण को भी चरणामृत दिया। उन्होंने आश्रम के मार्ग पर पुष्प बिछाए और उन्हें द्वार तक ले गए। आश्रमिकों ने उन्हें कंदमूल खाने को दिए तथा पीने को शीतल जल दिया। उन्होंने राम एवं लक्ष्मण से कहा कि वे उस कुटी में विश्राम करें जो कि विशेष रूप से उनके लिए ही निर्मित की गई थी। उन्होंने ऐसा ही किया। विश्राम करने के बाद उनकी थकान दूर हो गई और तत्पश्चात वे हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण करने उनके पास गए। वे अपने गुरु के समक्ष करबद्ध होकर बोले, गुरुदेव, आपने जिस यज्ञ अनुष्ठान का निश्चय किया है क्या वह कल से ही आरंभ नहीं हो सकता? उनके इस प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र अति प्रमुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, हां, सब कुछ तैयार है। इस सिद्धाश्रम में सदा ऐसा ही रहता है। यहां तैयारियों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वे सदा तैयार होती हैं। कल प्रभात होते ही मैं संकल्प लूंगा। यह समाचार मिलते ही सभी लोग इस महान पर्व की तैयारियों में पूरे उत्साह से जुट गए। प्रभात काल हुआ। विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प किया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। जिस प्रकार स्कंद और विशाखा देवताओं के रक्षक रूप में खड़े थे, उसी प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों भाई इस अनुष्ठान में विघ्न डालने वालों का सामना करने के लिए दृढ़ता पूर्वक खड़े हो गए। विश्वामित्र के यज्ञ में व्यस्त होने के कारण उनसे बात करना उचित नहीं था, अतः राम ने यज्ञ में भाग लेने वाले अन्य लोगों से पूछा कि वहां राक्षसों के किस समय तथा कौन सी दिशा से आने की संभावना थी। लोगों ने बताया, उनके आने का समय और दिशा बताना संभव नहीं है। राक्षसों का कोई निश्चित समय नहीं है। वे किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकते हैं। उनके प्रहार की पूर्व सूचना दे सकना कठिन है। सभी तपस्वियों ने निज अनुमान के अनुसार राक्षसों की प्रवृत्ति तथा आदतों के विषय में राम को बताया। उनके उत्तरों को सुनकर राम अति प्रफुल्लित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वियों के विधि विधानों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए
हर पल सतर्क एवं तत्पर रहना ही सर्वोत्तम होगा। उन्होंने लक्ष्मण को भी सावधान कर दिया। उन्होंने चारों दिशाओं में कड़ी निगाह रखी और चौकन्ने रहे। उनकी वीरता और सच्चाई को देखकर मुनिजन अति उल्लासित एवं चकित हुए, क्योंकि वे दोनों बालक अति सावरे और सलोने थे। 5 दिन व रात दोनों भाई यज्ञ वेदी और आश्रम पर सतत पहरा देते रहे। उन्होंने एक क्षण भी आंख नहीं झपकी और न ही आराम किया। 6ठा दिन भी आरंभ हो गया। विश्वामित्र यज्ञ में व्यस्त थे तथा प्रत्येक विधि विधान को पूर्ण वैदिक ढंग से करने में संलग्न थे। ऋत्विक मंत्रोच्चारण करने, आहुतियां डालने तथा अन्य विधियां करने में व्यस्त थे। सहसा आकाश से ऐसे वज्र घोष हुआ मानो व्योम ही फट गया हो। यह सुनकर सभी दंग रह गए। कुशा, चमस, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित यज्ञ वेदी के चारों ओर से अग्नि निकलने लगी। चारों ओर प्रचंड अग्नि शिखाएं फैल गईं। कुछ ही समय में आकाश में भयंकर बादल छा गए और दिन गहन अंधकार पूर्ण रात्रि में बदल गया। यज्ञ स्थल की ओर से आती हुई रहस्यात्मक दुर्गंध बढ़ती गई। उन अमंगलकारी मेघों से रक्त वर्षा होने लगी और रक्त बूंदों को ग्रहण करने के लिए अग्निशिखाएं मुंह खोले थी। उस क्रूरता एवं घृणापूर्ण माया जाल में राम व लक्ष्मण दुराचारी राक्षसों को खोज रहे थे। राम ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा मारीच व सुबाहु नामक मुख्य राक्षसों का स्थान जान लिया और उन्होंने उस दिशा में मानवास्त्र छोड़ा। वह सीधा मारीच के वक्ष पर जाकर लगा और मारीच शक्तिहीन हो गया। फिर उन्होंने सुबाहु को अग्नियस्त्र मारा जो उसके हृदय पर लगा। राम को ज्ञात था कि यदि उन दोनों के शवों को उस पवित्र स्थल पर गिराया जाएगा तो वह आश्रम अशुद्ध हो जाएगा। अतः उनके पाप पूर्ण संपर्क से दूर रहने के लिए राम के बाण ने उनके दुष्ट देहों को हजारों मील दूर समुद्र में गिरा दिया। मारीच और सुबाहु सागर की लहरों के मध्य असहनीय पीड़ा से कराहते और तड़पते रहे, लेकिन वे मरे नहीं। राक्षस जाति के अन्य लोग उनकी रक्षा करने दौड़े। लक्ष्मण ने कहा कि चाहे कोई राक्षस कितना भी कायर या डरपोक हो, उसे जीवित छोड़ना उचित नहीं था, क्योंकि वह फिर अपनी दुष्ट चाल चल सकता था। अतः उन्होंने राम को संपूर्ण राक्षस जाति का वध करने को प्रेरित किया। उनकी इस महान वीरता को देखने वाले मुनिजनों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका विश्वास था कि वे दोनों भाई वास्तव में रुद्र रूप में स्वयं शिव ही थे। उन्होंने मानसिक रूप से दोनों भाइयों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि उनकी श्रद्धांजलि ग्रहण करने के लिए राम और लक्ष्मण आयु में बहुत छोटे थे। क्षण भर में ही जंगल में मंगल छा गया। अस्त व्यस्तता के मध्य भी विश्वामित्र निर्विघ्न रूप से देवताओं का ध्यान करते रहे तथा यज्ञ हेतु पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों का पाठ करते रहे। उन्होंने शरीर या चित्त को तनिक भी नहीं हिलाया। ऐसा गहन था उनका चिंतन। अति श्रद्धा एवं कृतज्ञता पूर्वक यज्ञ में अंतिम आहुति डाली गई। फिर विश्वामित्र मुस्कुराते हुए राम व लक्ष्मण के पास आए और बोले, हे कीर्तिवान, तुमने मेरा व्रत सफल कर दिया। तुम्हारे द्वारा मैंने अपनी जीवन अभिलाषा पूर्ण कर ली। तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। ऋषि के नेत्रों से आशीष पूर्ण अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने दोनों भाइयों को यज्ञ में डाली पवित्र आहुतियों का हिस्सा दिया। फिर उन्होंने उन बालकों से विश्राम करने को कहा। यद्यपि उनके उद्देश्य की पूर्ति ही उनके अंगों व मन के लिए विश्राम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने विश्राम किया और गहरी निद्रा में सो गए। उन राजकुमारों की निद्रा में कोई बाधा ना आए, इस कारण ऋषि दूसरी पर्णकुटी में चले गए। उन्होंने कुछ बालकों को उन दोनों भाइयों की कुटी के आगे
पहरा देने का आदेश दिया ताकि वे निर्विघ्न विश्राम कर सकें। जब वे दोनों भाई सो रहे थे तो उस समय विश्वामित्र यज्ञ की सफलता तथा राम एवं लक्ष्मण की दिव्य शक्ति पर प्रफुल्लित हो रहे थे। तभी राम व लक्ष्मण उठे और आचमन करके जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आश्रम के बालक वहां पहरा दे रहे हैं, जिससे उनकी नींद में कोई बाधा ना पड़े। उन्हें सूचना मिली कि ऋषि दूसरी कुटी में तपस्वियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अतः उन्होंने वहां जाकर गुरु को दंडवत प्रणाम किया, फिर करबद्ध हो बोले, मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। इस पर एक तपस्वी ने उठकर कहा, राक्षसों के वध के साथ सभी कार्य पूर्ण हो गए, अब और क्या करना है। विश्वामित्र की चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हो गई है, इससे बढ़कर हमें अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आप तो हमें शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देते हैं, आप कोई सामान्य मानव नहीं है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन करने का अवसर मिला, हम आपके अति आभारी हैं। फिर सभी आश्रमिकों ने राम और लक्ष्मण का चरण स्पर्श किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भव सागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258, 9393258, 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।